नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारी भूगोल की कक्षा, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा नौवीं की भूगोल की पुस्तक, जिसका शीर्षक है समकालीन भारत भाग एक में संकलित अध्याय तीन अपवाह। तो बच्चों, जैसा कि इसके शब्द से ही मालूम है कि अपवाह का मतलब जल की एक ऐसी धारा से है जो ढाल के अनुसार एक निश्चित दिशा में बहता है। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। बच्चों, आपने अपने बड़ों और कई बार खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों से सुना होगा कि इसका ढाल इस तरफ है। बच्चों, यह ढाल क्या है? आपको सबसे पहले किसी भी अपवाह के बारे में पढ़ने से पहले ढाल का पता होना अति आवश्यक है। तो चलिए आज हम आपको पहले ढाल के बारे में थोड़ा बताते हैं। यदि आप पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को देखो तो आपको पूरी धरती पर भूमि ऊंची नीची नजर आएगी। बच्चों, ये भूमि का ऊंचा या नीचा होना एक ढाल है। भूमि का ढाल अथवा ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल पर ढाल 0 डिग्री होता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे, वैसे वैसे ढाल बढ़ता जाएगा। यानी यदि प्राकृतिक रूप से कोई भी जल यदि पृथ्वी पर गिरता है या वर्षा के रूप में गिरता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप ढाल के अनुसार समुद्रों तक पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको अपवाह के बारे में बताएंगे। यदि आपको अपवाह का ज्ञान अर्जित करना है, तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के ढाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना ढाल की जानकारी के यदि हम जानने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। बच्चों, हर एक देश का अपना अपवाह तंत्र होता है। तो आइए अब हम इसी प्रकार से अपने अध्याय में अपवाह तंत्र के तहत भारत की नदियों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। बच्चों, किसी भी अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले हमें जल विभाजक को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना जल विभाजक के हम अपवाह तंत्र को समझ नहीं सकते। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? बच्चों, यदि आप भारत के भौतिक मानचित्र पर दृष्टि दौड़ाएं, तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 4 जल विभाजक नजर आएंगे। यदि आप गंगा के अपवाह तंत्र और सिंधु के अपवाह तंत्र की दिशाओं को देखें, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये अपवाह तंत्र बिल्कुल जिनका स्रोत एक है, हिमालय है, लेकिन इनका गंतव्य स्थान अलग अलग है। एक अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो गंगा का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। आपको इनके दोनों अपवाह तंत्रों के बीच में एक उच्च भूमि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का अरावली पर्वत आदि नजर आती है, जो इसके लिए जल विभाजक का काम करती है। बच्चों, इसी प्रकार से यदि आप प्रायद्वीपीय भारत पर नज़र दौड़ाओ,
तो आपको पश्चिमी घाट एक जल विभाजक के रूप में नजर आएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व दिशा की तरफ होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ छोटी छोटी धाराएं अरब सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार से यदि आप विंध्याचल पर्वत को देखो तो वो गंगा के अपवाह तंत्र के लिए नदियों को उत्तर की तरफ से होते हुए गंगा में मिलाते हुए बंगाल की खाड़ी में भेजता है। तो इसी प्रकार से यदि आप पूर्व में नज़र दौड़ाओ तो आपको पूर्वांचल की उच्च भूमियाँ जल विभाजक के रूप में नज़र आएंगी। यदि आप इनको गहराई से देखो तो आपको भारत का नदी तंत्र बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः इन्हीं भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, बच्चों, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रेणी के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है तो वह अपने अत्यधिक तीव्रता और वेग के कारण अपनी तलहटी को लगातार खुरचती रहती है, जिस कारण दोनों तरफ पहाड़ व बीच में अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हुई अन्य नदियों की तरह ही तीन कार्य करती हैं। पहला, अपरदन, यानी कि अपनी घाटी को खोदना। यह कार्य ज्यादातर ऊपरी भाग यानी पहाड़ी भाग में होता है। दूसरा कार्य परिवहन का है, जिसमें खोदे गए पदार्थों कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू आदि को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, तथा तीसरा कार्य निक्षेपण का है, जिसमें यह सारे पदार्थों को जमा करती हैं। नदी के निचले भाग में ज़्यादातर निक्षेपण कार्य ही होता है। चित्र की सहायता से हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि आप इस चित्र में नदी की तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं, ऊपरी अवस्था में नदी अपनी तलहटी को ज़्यादा खोदती है और वी आकार की घाटी बना रही है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का परिवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण जैसे डेल्टा आदि करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट एक बहुत बड़े जल विभाजक का काम करता है तथा भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यदि हम मानचित्र में नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी जैसी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बच्चों, केवल दो नदियाँ इसका अपवाद हैं, वो हैं नर्मदा व तापी। ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पुरानी नदियाँ मानी जाती हैं। तो आइए बच्चों, हम भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं। भारत की नदियों का अध्ययन सुगमता पूर्वक करने के लिए हम भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में श्रेणीबद्ध करते हैं, हिमालय की नदियाँ व प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्राय इस प्रकार की श्रेणी से हम अपनी विषय सामग्री को सरल बना सकते हैं। यहाँ मानचित्र में हम देखते हैं कि हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से तीन बड़े नदी तंत्र नज़र आते हैं,
जिनके नाम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। ये नदी तंत्र बहुत लंबे हैं तथा इनके अंदर अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। बच्चों, जब किसी मुख्य नदी में अन्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो उसे एक नदी तंत्र कहा जाता है। तो चलिए, पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है, इसका अवलोकन करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नोबरा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसके अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। चित्र की सहायता से हम इसे देखते हैं कि गंगा की मुख्य धारा भगीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बच्चों, गंगा नदी तंत्र बहुत विशाल नदी तंत्र है। इसको भी हम वर्गीकरण के द्वारा ही समझ सकते हैं। यदि हम भारत के मानचित्र में गंगा नदी तंत्र पर नज़र दौड़ाएं, तो हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां दो तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। हिमालय से आने वाली सहायक नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार से जाकर मिलने वाली सहायक नदियां। तो बच्चों, हम गंगा नदी तंत्र को इन्हीं दो वर्गों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम हिमालय से आने वाली सहायक नदियां। हिमालय की सहायक नदियों में यमुना नदी प्रमुख नदी है, जो गंगा नदी के समानांतर उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। अब गंगा नदी तंत्र की बाईं तरफ की नदियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं, जो नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बच्चों, वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आती है तथा काफ़ी जान माल व फसलों का नुकसान होता है, परंतु दूसरी ओर देखें तो इन नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी ने ही इस क्षेत्र को इतना उपजाऊ बना दिया है कि इसे हम भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा अनाज इन्हीं नदियों के कारण पैदा होता है। बच्चों, आइए अब हम प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां विंध्याचल पर्वत से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है।
यह नदी दो भागों में बंट जाती है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बच्चों वितरिका से हमारा अभिप्राय उस नदी से है जो अपनी मुख्य नदी से अलग होकर बहने लगती है। यह सहायक नदी के बिल्कुल विपरीत की दशा है। सहायक नदी मुख्य नदी में जल मात्रा बढ़ाती है जबकि वितरिका मुख्य नदी की जल मात्रा को कम करती है। तो भागीरथी हुगली के बाद मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बच्चों आइए हम एक बार फिर गंगा नदी को उसके उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक देखते हैं। यह चित्र गंगा नदी की दो मूल शाखाओं भागीरथी और अलकनंदा का है जो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। यहीं से इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। बच्चों आज औद्योगिकरण शहरीकरण व्यापारिक कृषि व धार्मिक क्रियाकलापों के चलते बाकी नदियों की तरह गंगा भी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है तथा इसे बचाने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगा परियोजना जो 2014 में शुरू की थी। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप गंगा नदी के अपवाह अंतर को चित्र में ध्यान से पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है और अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। बच्चों जितना ढाल मंद होगा उतनी ही नदी की गति वेग और शक्ति कम हो जाती है। यहाँ पर गंगा नदी अपने मंद ढाल के कारण ही इन आकृतियों का निर्माण करती है। आइए अब हम हिमालय के तीसरे नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चर्चा करें। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर तिब्बत में, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हो, स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास जाकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग लोहित केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आइए इसके बारे में और जानें। जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। बच्चों ध्यान दें क्योंकि ब्रह्मपुत्र का यह भाग हिमालय के उत्तर दिशा में है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर केवल हिमानी का ही पानी इस नदी में पाया जाता है। ज्यों ही यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। जब यह यहाँ से होकर गुजरती है तो
नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। बच्चों, गुम्फित नदी क्या होती है? हम यहाँ आपको चित्र की सहायता से बताते हैं कि जब एक नदी एक मुख्य धारा में न बहकर अत्यधिक जमाव व बड़ी मात्रा में मलबे के भार के चलते कई लघु उथली एवं संग्रथित नदियों के जाल में बंटकर बहने लगती है तथा यहाँ पर निक्षेपण के कारण यह बड़े छोटे नदियां द्वीप बना देती है। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में इसी प्रकार से बहती है तथा नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदियां द्वीप का नाम याद है? माजुली। यह आसाम में इतना बड़ा नदियां द्वीप है कि 2016 में इसे पूरा एक जिला घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है, परंतु अपरदन व निक्षेपण के चलते यह घटता बढ़ता रहता है। चित्र में आप इसे देख सकते हो। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो बच्चों, अब तक हमने यहाँ भारत की हिमालय पर्वत की नदियों का अवलोकन किया और मुख्य नदी तंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद।